हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, टीजी सर क्लासेस के ऑनलाइन फॉर्म पर आपका स्वागत है, नंदन है। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, हम बात कर रहे थे मौर्य काल की। मौर्य काल में हमने देखा था पहला शासक के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाने के बाद किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का उद्गम यानी कि उद्भव और विस्तार होने लगता है। देखिए, मौर्य कहा जाता है कि ये कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काफी विस्तार करता है। काफी विस्तार करने के बाद ये प्रथम ऐतिहासिक शासक के थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्लास को रिवाइज। हाँ सर, मौर्य काल के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त करना प्रारंभ की थी। सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, मौर्य काल में देखा था क्या देखा था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त काल माना था 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इसके गुरु चाणक्य थे, जो आगे चलकर इसके प्रधानमंत्री भी बने थे। और इन्हीं की सहायता से ये क्या बनता है, घनानंद को मारकर किसका राजा बनता है, मौर्य साम्राज्य का राजा या मौर्य वंश की स्थापना करता है। प्यारे दोस्तों याद रखिए, भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहलाता है। मौर्य काल की जानकारी का स्रोत हमें अर्थशास्त्र मिलता है और भी कई सारे स्रोत हैं मौर्य काल की जानकारी की, लेकिन कहा जाता है मुद्रा राक्षस है, राक्षस कहा जाता है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो का है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। ये सारी मौर्य काल की जानकारी देने वाले, इंडिका है, इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की इंडिका, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी, कल्लण की राज तरंगिणी, उससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अशोक की जानकारी मिलती है। चलिएगा, अब देखिए, सिकंदर ने भारत में सत्रोपों को नियुक्त करके यहां से चला गया था। चला जाने के पश्चात कहा जाता है कि यहां पर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य इन सारे क्षत्रपों को पराजित करके यहाँ से उखाड़ फेंकता है, भगा देता है। भगा देने के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। क्या कर लेता है भाई, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। प्यारे दोस्तों, अब कंडीशन क्या है, यहाँ से कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हमने बात की। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या मिलते हैं यूनानी शासकों का, एंड्रोकोटस का, किसने कहा, ट्रेबो जस्टिन और प्लूटार एरियन, कौन भाई, जस्टिन और एरियन के द्वारा इस सेंड्रोकोटस का और एंड्रोकोटस एपियन और प्लूटार के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, एपियन और प्लूटार के द्वारा कहा गया। और इसकी पहचान सर्वप्रथम भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य है ये करने वाला था विलियम जोन्स। कौन था भाई, विलियम जोन्स इसकी पहचान करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य की, किसके रूप में, कि वास्तव में ये चंद्रगुप्त मौर्य है इसके रूप में पहचान करने वाला कौन था भाई, ये था विलियम जोन्स। ये कब करता है, 1793 ईस्वी में, कब करता है भाई, 1793। इसके पश्चात देखिए, तो इसने देखिएगा सेलुकस निकेटर के ऊपर आक्रमण किया था और सेलुकस निकेटर ने कहा जाता है कि ये सिकंदर के बाद शासक बना था और दोनों के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच युद्ध हुआ था। युद्ध होने के पश्चात कहाँ पर ये संधि हुई थी, संधि होने के पश्चात कहा जाता है कि इसने यहाँ पर अराकोशिया जेड्रोसिया पेरोपनिशडाई और एरिया वाला क्षेत्र, जो चार क्षेत्र, काबुल कंधार और कौन सा, बलूचिस्तान और हेरात वाला क्षेत्र इससे मांगे थे, चार क्षेत्र दिए थे। इसके बदले इसकी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया से विवाह किया था और ये भारत का प्रथम विदेशी विवाह माना जाता है। भारत का प्रथम राजनीतिक राजदूत मेगस्थनीज को माना जाता है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आता है कहाँ पर, अपने मौर्य शासन काल में, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। संधि हो जाती है, संधि में क्या क्या रही, और इसने अपने 500 हाथी देना स्वीकार किया था, किसके लिए देना स्वीकार किया था, सेलुकस निकेटर की। ये कुल क्षेत्रों के नाम बताए मैंने अभी तुम्हें और ये पूरे राजदूत के बारे में बताया, ठीक है। और क्या क्या जानकारी मिलती है, कार्नेलिया हेलेना से विवाह होता है, ये सारी जानकारी हमने, 500 हाथी दिए। 312 ईसा पूर्व में यहाँ पर अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने के पश्चात कहा जाता है कि इसको अपने गवर्नर हुआ करता था सौराष्ट्र का, और सौराष्ट्र के गवर्नर को आदेश दिया कि एक झील का निर्माण करवा, तो सुदर्शन झील निर्माण करवाता है सौराष्ट्र का गवर्नर जनरल, और भाई सौराष्ट्र का गवर्नर जनरल एक झील का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं, सुदर्शन झील, भाई सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। फिर ये सारी जानकारी समझ में आएगी। और इसके बाद ये कहाँ चला जाता है, ये आगे चलकर कहाँ चला जाता है, ये श्रवण बेलगोला 300 ईसा पूर्व लगभग कहाँ चला जाता है भाई, 300 ईसा पूर्व में कहाँ चला जाता है, श्रवण बेलगोला। और 300 ईसा पूर्व में जैन संगति क्या हुई थी, जैन संगति है, याद रखना जैन संगति होती है, ये भी ध्यान रखना है। और ये एक पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर ये अपना देह त्यागता है, ये संलेखना पद्धति
द्वारा श्लेखणा पद्धति या इसी पद्धति को संतारा पद्धति भी कहते हैं। क्या? संतारा पद्धति या उपवास पद्धति कहते हैं। पहाड़ी पर, एक पहाड़ी पर अपनी देह त्याग देता है। जिस पहाड़ी पर देह त्यागता है उसे चंद्रगिर पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगिर पहाड़ी कहा जाता है। रूप से ध्यान रखना है आपको। क्या कहा जाता है भाई? चंद्रगिर पहाड़ी कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहां तक की हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आगे देखिएगा, आगे बात करें तो इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है भाई? इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बनने जा रहा है वो कौन बनेगा? के बाद जो शासक बनेगा प्यारे साथियों कौन बनेगा? अब इसके बाद जो शासक बनेगा बिंदुसार। कौन बनेगा? बिंदुसार बनेगा। बिंदुसार शासक बनेगा। कौन बनेगा? बिंदुसार। बिंदुसार जो शासक बनता है नेक्स्ट मगध का शासक किसके बाद? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मगध का वो बनता है प्यारे दोस्तों, तो कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार शासक बनता है तो इसका साम्राज्य माना जाता है, इसका शासन काल माना जाता है 298 ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहां से कहां तक? 298 ईसा पूर्व से लेकर कहां से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहां से कहां तक माना जाता है? 298 से का तो इसका साम्राज्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शासन काल। अब बातें करते हैं इसके बारे में, क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है, क्या क्या जानकारियां हमें प्राप्त होती है भाई इसके बारे में, किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में जो जो जानकारियां प्राप्त होती है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कंडीशन होती है? ये इसके पिता कौन थे? सबसे पहले ये भी ध्यान रखना, पिता पिता कौन भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। माता कौन? माता दुर्धरा मानी जाती। कौन? दुर्धरा। कौन मानी जाती भाई? माता जो मानी जाती है दुर्धरा मानी जाती है, और दुर्धरा के गर्भ से इसका जन्म होता है, और ये भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। ये क्या माना जाता है? सिजेरियन शासक माना जाता है। उपनाम क्या मिलते हैं इसके? क्या बात करें इसके उपनामों की बात करें, उपनाम उपनाम क्या क्या मिलते हैं देखिए, इसको क्या क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है, अमित्र खाद कहा जाता है, और जिसका मतलब होता है सैनिकों को खा जाने वाला। क्या? या सैनिकों को खा जाने वाला, बख्श बख्श जाने वाला, खा जाने वाला इसका अर्थ होता है, अमित्र खाद या अमित्र खाद का। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। कौन? ये बिंदुसार। किसका क्यों माना जाता है भाई ये? अब आपको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस जमाने में नाग कन्याओं का डर रहा करता था। क्या? राजाओं को नाग कन्याओं का डर रहा करता था। जो नाग कन्याएं किसको, अगर कोई लड़कियां नियुक्त कर दी जाती थी, संरक्षिका नियुक्त कर दी जाती थी राजा के आसपास और अगर कोई दुश्मन राजा किसी षड्यंत्र वश कोई कन्या को भेज दे और उसके हरम में चली जाए, कौन? कोई कन्या, तो इससे कहा जाता है उससे के मिलजोल में वो तो राजा को काट ले तो उसकी प्रकार से ये नाग कन्याएं नियुक्त की जाती थी। इन नाग कन्याओं के डर से, किन से? इन नाग कन्याओं से डर से बचाने के लिए कौन प्यारे दोस्तों? चाणक्य। कौन? चाणक्य। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को हल्का हल्का भोजन में जहर दिया। क्या करता था? थोड़ा थोड़ा जहर दिया करता था, क्योंकि वो उन विष कन्याओं का, कौन सी कन्याओं का? नाग कन्या या विष कन्याओं का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़े, कारण इसको थोड़ा थोड़ा जहर दिया करता था। और एक दिन क्या होता है भाई, एक दिन इसको चाणक्य भोजन रखता है। किसको? चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त को यहाँ पर भोजन रखा जाता है, टेबल लगी हुई है यहाँ पर, टेबल पर भोजन रखा जाता है, और टेबल पर भोजन रखने के पश्चात यहाँ पर कौन आ जाती है? यहाँ पर कौन आ जाती है? भोजन रखने के पश्चात थाली लगा दी। किसकी लगा दी थाली? बढ़िया लड्डू वड्डू ये सारे देश के भोजन लगा दिया, और भोजन रख देने के पश्चात रोटी चपाती जो कटोरी में जो भी है, ठीक है, इस तरीके से भोजन रख दिया। भोजन परोस देने के पश्चात कौन आ जाती है? ये दुर्धरा आ जाती है। कौन आ जाती है भाई? ये दुर्धरा आ जाती है, और ये दुर्धरा क्या करती है? दुर्धरा आ गई, और ये दुर्धरा क्या करती है? थाली को उठाकर, जो किसका भोजन था? इस चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन था, इस थाली को उठाकर इसमें भोजन करने लग,
करने लग जाती है, भोजन करने लग जाती है। और भोजन करने के कारण जब इसका पता किसको लगता है, चाणक्य को, चाणक्य को इसका पता लगता है, तो चाणक्य दौड़ता हुआ यहाँ आता है और कहा जाता है जब तक ये भोजन कर चुकी होती है, भोजन कर चुकी होती है तो कहा जाता है मेरे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि ये इस भोजन के कारण विष वाला भोजन मिला था, ये भोजन किसका था, चंद्रगुप्त का भोजन था, ये भोजन किसका था, ये भोजन था चंद्रगुप्त मौर्य का, किसका था, चंद्रगुप्त का, किसका, चंद्रगुप्त का। और चंद्रगुप्त का भोजन था तो कहा जाता है कि जब इस दुर्योधन ने खा लिया तो मरेगी नहीं मरेगी, मरेगी क्योंकि विष मिला हुआ था और उसको तो आदत पड़ी हुई थी क्योंकि बचपन से देता आ रहा है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तो इस कन्याओं से बचाने के लिए। अब कंडीशन क्या है कि ये मर जाती है, मर जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों ये जहर इसके शरीर में फैलने लगता है, किसके शरीर में फैलने लगता है, इस दुर्धरा के शरीर में फैल लगता है, उसके दुर्धरा के शरीर में फैलने लगता है, भाई दुर्धरा के शरीर में फैलने लगता है, दुर्धरा के शरीर में फैलने लगता है। और इस समय ये थी गर्भवती, क्या थी भाई, इसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, क्या पल रहा था भाई, एक शिशु पल रहा था इसके पेट में। तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों ये शिशु पल रहा था और ये मर जाती है, और मर जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, अर्थात मरी थी यानी कि उसी समय जब ये बेहोश हो जाती है, अचेत अवस्था में चली जाती है, उसी समय कहा जाता है दौड़कर चाणक्य आता है और इसके जो गर्भ में पल रहे शिशु का क्या कर देता है, चाकू से काट कर इसको बाहर निकाल लेता है, क्या, इसके पेट को काटकर अर्थात तो ऑपरेशन करता है और इस शिशु को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है, किसको, इस शिशु को बाहर निकाल लेता है। कहा जाता है पैर दोस्तों कौन, चाणक्य, कौन भाई, यहाँ पर कौन आता है, चाणक्य आता है, कौन, चाणक्य, चोटी वाला बाबा, चोटी वाला बाहर चाणक्य आता है, ये मरी हुई दुर्धरा के पेट को किसे, इस चाकू से काटता है, किससे काटता है, इस चाकू से काटता है और इस बच्चे को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है, क्या कर लेता है, इसको बाहर निकाल लेता है, तो बाहर निकाल लेता है भाई, बच्चे को बाहर तो बाहर, चलो कोई नहीं, एक मिनट, अरे टूट गया, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लेता है, सीधी सी बात है, इस चाकू से काट कर पेट को काट कर कहा जाता है इसको, किसको बाहर निकाल लेता है भाई, इस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। और ये पहला सीजेरियन शासक माना जाता है, कौन सीजेरियन शासक माना जाता है भी, ये बिंदुसार। और उसके कहा जाता है कि जब ये जहर उसके आहार नाल में गया, अर्थात तो वहां पर इसके गर्भपात में जा रहा, गर्भ में गया था, तो इसकी एक बूंद इसके सिर पर गिर जाती है, इस बच्चे के सिर पर जो उसके गर्भ में पल रहा था, तो इसके सिर पर गिर जाती है, इस कारण एक बिंदु बन जाता है, उस जहर के कारण एक काला बिंदु यहां बन जाता है, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया भाई, बिंदुसार रखा गया, क्या रखा गया, इस कारण इसका नाम बिंदुसार रखा गया था, क्या रखा गया था, इस कारण इसका नाम बिंदुसार, याद रखना, बिंदुसार के बाद बात इसके उपनामों की बात करते हुए, पहले तो इसे उपनामों की बात करें, बता दे मतलब नहीं है, चलिए बट क्या कंडीशन, अब इसके उपनामों की बात करते हैं, कारण इसका नाम क्या रख दिया हमने, बिंदुसार, समझ में आ गया क्यों रखा और किस प्रकार से इसका जन्म होता है, ये प्रथम सीजेरियन शासक किस प्रकार से माना जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करने जा रहे हूं तो और किस किस नाम से जानते हैं, इतिहासकारों ने इसे अमित्र खाद कहा, अमित्र घात कहा, अमित्रो केटस कहा, देखिए क्या क्या नाम मिलते हैं इसके उपनाम, अमित्र घात, अमित्र, अमित्र खाद, अमित्र खाद, अमित्र चेटस, और क्या मिलता है भाई, अमित्र चेटस, क्या मिलता है, अमित्र केटस, क्या मिलता है, अमित्रो केटस, मित्रो केटस, ये सारे नाम किसके मिलते हैं, तो उपनाम मिलते हैं। और ये किसने कहा, यूनानी शासकों ने ये नाम दिए, यूनानी शासकों द्वारा दिए गए नाम, ये किसके द्वारा दिए गए थे, ये यूनानी शासकों के द्वारा दिए गए थे, यूनानी, यूनानी शासकों, क्या यूनानी विद्वानों, शासकों लिखे हुए, यूनानी विद्वानों द्वारा, यूनानी विद्वानों द्वारा, द्वारा के नाम दिए गए, ठीक है, क्या नाम दिए गए, ये एक, ये और एक
अर्थ होता है, का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है, इन सब का अर्थ होता है, का अर्थ क्या होता है भाई, सैनिकों को खा जाने वाला, क्या होता है भाई, सैनिकों को खा जाने वाला क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है शत्रुओं को या सैनिकों को खा जाने वाला, ठीक है, तो शत्रुओं को खा जाने वाला ज्यादा सही है, क्या शत्रुओं को, शत्रुओं को खा जाने वाला का अर्थ क्या होता है भाई, शत्रुओं को खा जाने वाला या सैनिकों को खा जाने वाला, जो भी शत्रु आए इसका अर्थ क्या होता है, इस इन शब्दों का अमित्रघात, अमित्रघात या अमित्रोक्षेटस का अर्थ क्या होता है भाई, इस शत्रुओं को खा जाने वाला, याद रखिएगा। में कहा जाता है कि ये इसके कितने पुत्र माने जाते हैं, कि इसके 101 पुत्र हुआ करते थे, कितने पुत्र थे इसके, 101 पुत्र थे, कितने इसके, इसके 101 पुत्र थे, कितने पुत्र थे इसके, 101 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सुसीम कौन था, सुसीम, और उसके बाद अशोक, अशोक, और सबसे छोटा ही छोटा कौन था, किससे कौन था भाई, किससे, किससे, तीन बेटों का नाम मिलता है इसके, और कहा जाता है कि अशोक 99 भाइयों को मारकर शासक बना, अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाई मारकर शासक बना था, 99 मारे ना, एक तो ये जिंदा बच गया, एक ये जिंदा बच गया, और एक स्वयं बच गया, ठीक है, तो कहा जाता है कि तो 99 ये सुसीम को भी मारेगा, क्योंकि दो ही तो बचेंगे, ये दोनों सौतेली माँ अर्थात ये सब सौतेली माँ के थे दूसरे तो, लेकिन अशोक और ये इससे दोनों एक ही माँ के बेटे थे, माता एक थी, और इस कारण कहा जाता है जब ये राजा बना तो इनको मारकर बना था, चलेगा आगे, और क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि ये यूनानी शासक, यूनानी शासक कहा जाता कि जो ईरान में सीरिया है, सीरिया के शासक कौन था भाई, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम को लेटर लिखता है, कौन लिखता है, एंटियोकस प्रथम को लेटर लिखता है, कौन लिखता है अपना बिंदुसार, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को लेटर लिखता है कौन, सीरिया, सीरिया के शासक एंटियोकस, एंटी एंटी ओकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम को कौन बिंदुसार पत्र लिखता है, क्या लिखता है भाई, पत्र लिखता है, बिंदुसार पत्र लिखता है, और पत्र लिखकर क्या मांग करता है इससे, एंटियोकस प्रथम से ये मांग करता है कि मुझे एक तो चाहिए कौन सी, मीठी शराब, तीन चीजें मांगता है, कितनी चीजें मांगता है, एक तो मीठी शराब चाहिए, दूसरी चाहिए सूखे मेवे अंजीर, क्या सूखे मेवे या अंजीर, और तीसरे चाहिए दार्शनिक, तीन चीजों की मांग करता है यह पत्र लिखकर, कितनी चीजों की मांग करता है, जिसमें से कहा जाता है कि एंटियोकस यहाँ पर बात तो मानता है, लेकिन कहा जाता है कि सूखे मेवे भी भेज देता है, मीठी अंगूर की शराब भी भेज देता है इसको, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर देता है, और मना क्यों कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये कहता है कि मेरे अर्थात सीरिया के कानून में दार्शनिकों का क्रय विक्रय या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना, क्या है कानूनी अपराध है, अर्थात यहाँ वो नहीं भेजा जाता, ऐसा कहकर ये मना कर देता है, क्या चीजें मांग करता है, पत्र लिखकर, बिंदुसार पत्र लिखकर, लिख कर तीन चीजों की मांग करता है, तीन तीन चीजों की मांग करता है, क्यों मांग करता है, ठीक है, तीन चीजें कौन कौन सी अभी बताई मैंने आपको, पहली, पहली क्या है भाई, पहली जो चीज देख रहे हैं आप, देखिएगा पहली मीठी शराब, मीठी शराब विदेशी शराब थी जो अंगूर की थी, अंगूर की
किसकी बनी हुई हुआ करती थी, मीठी शराब अंगूर की बना करती है। दूसरी चीज क्या मांगता है, दूसरी चीज मांगता है सूखे मेवे, क्या मांगता है सूखे मेवे, मेवे या अंजीर, क्या मांगता है अंजीर या सूखे अंजीर मांगता है, क्या मांगता है भाई सूखे अंजीर मांगता है। ठीक है, और कहा जाता है एक मिनट भी आ गया, हाँ क्या मांगता है सूखे मंजीर, और तीसरी जो चीज मांगता है दार्शनिक, क्या मांगता है दार्शनिक, क्या मांगता है भाई दार्शनिक। ठीक है, ये तीन चीजें मांगता है, और तीन चीजों में से कहा जाता है कि ये तो मांगता है तो तीन चीजों में से ये कहता है ये तो मिल जाएगी आपको, ये भी मिल जाएगी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर देता है। तो क्या करता है ये एंटीओकस एंटी एंटी ओकस मीठी शराब व अंजीर यानी कि सूखे में अंजीर भेज देता है, अंजीर भेज देता है, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर देता है। ठीक है, दार्शनिक देने से मना कर देता है। यह अपना राजदूत एंटीओकस अपना राजदूत कौन भाई, अपना राजदूत कौन भेजता है, अपना राजदूत भेजता है, क्या भेजता है ये के बदले दार्शनिक के बदले क्या भेजता है कि मैं दार्शनिक तो नहीं दे सकता लेकिन एक राजदूत जरूर भेज सकता हूं, और उसके बदले ये एक राजदूत भेजता है। प्यारे दोस्तों वो भी ध्यान रखना है आपको, क्या भेजता है ये राजदूत भेजता है, याद रखिए। ठीक है, क्या क्या मांग भेज क्या क्या मांग की थी, और कहा जाता है कि ये राजदूत भेजता है, और उसका नाम क्या था डाइमेकस, क्या था डाइमेकस को भेजता है, अपना राजदूत डाइमेकस भेजता है, तो भेजता है डाइमेकस को कहाँ भेज देता है बिंदुसार के दरबार में भेज देता है। ये सारी चीजें आपको बिंदुसार के बारे में याद रखनी होगी, और किस प्रकार से आपको पता है कि इसने क्या किया, अर्थात जो मौर्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था, और उस साम्राज्य में क्या किया इसने, चुपचाप बैठा रहा, शांति बनाए रखी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार के आक्रमण, शांति से बैठा रहा, लेकिन विस्तार वगैरह कोई नहीं किया। इस स्थान पर क्या किया इसने, खुद का विस्तार तो अर्थात साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन परिवार का विस्तार किया, क्या किया भाई परिवार का विस्तार किया। देखिए क्या किया इसने, परिवार का विस्तार किया, इसके 101 पुत्र थे भाई, टाइम मिला है तो उसको कहीं ना कहीं तो प्रयोग लेगा, तो उसने किसका विस्तार किया था, परिवार का विस्तार किया था, तो लेगा। और कहा जाता है कि देखिए क्या कंडीशन होती है, इस तरीके से ये यहाँ पर कौन डाइमेकस यहाँ पर इसका राजदूत बनकर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें तो बिंदुसार के शासन काल में अंतिम समय में तक्षशिला में क्या हुए, तो दो विद्रोह हुए थे भाई बिंदुसार के, बात करें किसकी बात करें, बिंदुसार के शासनकाल में, किसके शासनकाल में भाई, कोई विशेष काम तो हुआ नहीं इसके शासनकाल में, तक्षशिला में क्या हुआ, दो विद्रोह हुए, कितने विद्रोह हुए, दो विद्रोह में, पहले में विद्रोह में कहा जाता है अशोक जाता है, अशोक जाकर उसका दमन कर देता है, अशोक सफल हो जाता है पहले विद्रोह, और दूसरे विद्रोह में कौन जाता है, सुसीम को भेजता है, किसको भेजता है, सुसीम को भेजता है, और सुसीम क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, क्या हो जाता है, सुसीम
असफल हो जाता है, इस विंदु को दबाने में असफल हो जाता है, कौन? सुशील, याद रखिएगा। तो बिंदुसार के काल में, बिंदु बिंदुसार के काल में बिंदु सार के शासन काल में शासन काल में तक्षशिला, कहां पर? तक्षशिला में दो विद्रोह होते हैं, दो विद्रोह होते हैं में से पष्ट विद्रोह में दबाया किसने? पष्ट विद्रोह को किसने शांत किया? अशोक ने शांत किया। शांत किया यानी कि विद्रोह को दबाने में ये क्या रहा? सफल रहा। क्या रहा भाई? अशोक ने इसको शांत कर दिया, पहले विद्रोह को। दूसरा जो विद्रोह हुआ, सेकंड विद्रोह की बात करें भाई, सेकंड विद्रोह जब हुआ तो उस समय कौन गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए? सुशीम को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? सुशीम को भेजा गया, सुशीम को भेजा गया। और सुशीम क्या रहा यहाँ पर? असफल रहा। क्या? असफल रहा। क्या रहा भाई? असफल रहा, अर्थात इसे सफलता नहीं मिली, अर्थात सुशीम को इस नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? पहला विद्रोह में कौन गया था? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके पश्चात बिंदुसार, ये ध्यान रखना है, एक चीज आपने लिखी नहीं, लिखी बिंदुसार भारत का प्रथम सीजेरियन शासक था। कहता नहीं लिख लेते हैं। तो यहां पर बात करते हैं किसके? बिंदुसार भारत का प्रथम सीजेरियन शासक था। कौन से शासक था? ये प्रथम सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन से पैदा होने वाला, ऑपरेशन से जन्म लेने वाला। और ऑपरेशन करने वाला कौन था? चाणक्य। ऑपरेशन किसने किया था भाई हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चाणक्य ने। किसने किया था? प्रधानमंत्री चाणक्य ने किया था। ठीक है, और इसी के ऊपर ध्यान रख लेना, इसका जो प्रधानमंत्री कौन था, इसका भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कौन था? पहले तो चाणक्य ही था भाई। कौन था? चाणक्य। कौन था भाई? पहले तो चाणक्य था, लेकिन चाणक्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राधा गुप्त बनता है। कौन बनता है? राधा गुप्त। प्रधानमंत्री कौन था? पहले तो चाणक्य था, फिर कौन बनता है? राधा गुप्त बन जाता है। कौन बन जाता है भाई? अशोक के समय ये रहता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये प्रधानमंत्री रहता है, और अशोक के समय ये प्रधानमंत्री रहता है। इसके समय, किसके समय? बिंदुसार के समय दोनों प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये गुरु भी था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य ही रहता है, ध्यान रखना है। और इसके समय, किसके समय? बिंदुसार के समय दोनों, राधा गुप्त और चाणक्य दोनों प्रधानमंत्री रहते, याद रखिएगा। तो पश्चात बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसका, तो देखिएगा धर्म की बात करें, थोड़े से मैं धर्म की बात कर देता हूँ, किसका कौन कौन सा धर्म था, प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें किसकी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ये धर्म की बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था, कौन सा था धर्म था वो था भाई, कौन सा था? जैन धर्म। कौन सा था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था जैन धर्म था। क्या था भाई? जैन धर्म। कौन सा धर्म था? जैन धर्म। ठीक है, उसके बाद बात करें बिंदुसार, किसकी बात करें? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो धर्म था प्यारे दोस्तों,
बिंदुसार का कौन सा धर्म था? इसका धर्म था आजीविका धर्म। कौन सा? आजीवक। आजीवक कौन सा धर्म था? आजीवक। और इसके बाद अशोक की बात करें, किसकी? अशोक की। अशोक का जो धर्म था, इसके दो धर्म माने जाते हैं। क्या? इसके दो धर्म माने जाते हैं भाई, कौन कौन से? एक तो कहा जाता है कि ये प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से का? शैव धर्म का। धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। और उसके बाद ये शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था। शैव धर्म का क्या था? ये अनुयायी, अनुयायी क्या था भाई? शैव धर्म का अनुयायी था। ये प्रारंभ में धर्म का तो, शैव धर्म का तो अनुयायी था, और बाद में कहा जाता है बौद्ध धर्म का उपासक बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? बौद्ध धर्म का उपासक बन जाता है। बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है? ये उपासक बन जाता है। क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म। कौन सा का? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है? उपासक। उपासक कौन बनता है? अशोक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, तीनों का धर्म बता दिया मैंने तरीके से, यहाँ पर धर्म की जानकारी आपको हो जाएगी भाई। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म पूछे तो आपसे प्रश्न किया जाए कि मौर्य का धर्म क्या था? जैन धर्म। और बिंदुसार का धर्म था आजीवक धर्म। और उसके बाद अशोक की बात करें तो अशोक का जो धर्म था कौन था भाई? शैव धर्म। प्रारंभिक अवस्था में शैव धर्म था, और बाद में इसका कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है? पहले कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? ये सारी जानकारी हमें बारे में प्राप्त हुई पूरी की पूरी, चंद्रगुप्त सॉरी बिंदुसार के बारे में हमने सारी की सारी जानकारियां प्राप्त कर लिया। अब बात करने जो जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, अब क्या कंडीशन होती है? यहाँ पर कंडीशन ये होती है, इसके बाद ये तो हो जाएगा आपका बिंदुसार। नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये भाई क्या बात है, ये सम्राट अशोक महान भाई, ये कौन शासक बनेगा इसके बाद? शासक जो बनेगा प्यारे दोस्तों रखना, अशोक। कौन बनेगा? अशोक महान। और शासक बनता है अशोक महान शासक बनता है, ठीक है? तो फोटो है भाई, अशोक महान याद रखना, चलेगा। के बाद जो शासक बनेगा अशोक महान, क्या चलिए भाई कौन बनेगा? अशोक, ठीक है? अशोक शासक बनता है। अशोक शासक कब बनता है भाई? 273 ईसा पूर्व, और 273 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक रहता है भाई? 232 ईसा पूर्व, कब तक? ईसा पूर्व तक। कहां तक रहता है ये? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व आपका अशोक महान शासक बनता है। तो देख रहे हैं आप अशोक का फोटो देख रहे हैं, यहाँ का फोटो है, तो है क्या हुआ कर प्राप्त कर। ये अशोक है का फोटो है भाई, अशोक महान या अशोक का जो शासनकाल माना जाता है, तो हम चर्चाएं कर लेते हैं। अब ये अशोक और अशोक के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। ये अशोक क्या कहलाता है? अशोक महान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साम्राज्य इसका कब से कब तक था ये देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये अशोक बारे में आप चलिए बताओ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके बारे में अशोक। अशोक कौन बनता है? अशोक। और अशोक का जो शासनकाल अभी देखा अपन ने, 273 पूर्व
73 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक भी 273 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक 232 ईसा पूर्व 232 का शासनकाल माना जाता है। किसका भाई? अशोक का शासनकाल माना जाता है। यहां पर का शासनकाल माना जाएगा पूरा का पूरा साम्राज्य को क्या बना देगा पूरा के द्वारा किया जाएगा अशोक के द्वारा। दोस्तों अब देखते हैं अशोक के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है, देखते जाते हैं। सबसे पहले अशोक की बात करें तो इसके पिता की बात करें तो इसके पिता कौन थे? बिंदुसार। पिता की बात करें पिता और पिता कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था, ये बिंदुसार का बेटा था। कौन? अशोक। और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। माता का नाम जो है, माता का नाम क्या मिलता है भाई हमें? जो मिलता है इसकी माता का नाम सुभद्रांगी। माता कौन है? माता का जो नाम मिलता है सुभद्रांगी। क्या मिलता है? सुभद्रांगी। और क्या मिलता है? धम्मा। क्या मिलता है यहाँ पर देखिएगा? और जो मिलता है धम्मा। क्या मिलता है? धम्मा। और क्या मिलता है? जनपद। जनपद कल्याणी। जनपद कल्याणी। क्या मिलता है? जनपद कल्याणी। ये सारे नाम इसकी माता के हैं। जनपद कल्याणी कह दे, धम्मा कह दे, सुभद्रांगी कह दे, ये किसका है? ये इसी की माता का नाम है। एक और नाम ले तो एक वन देवी। क्या कह दे? वन देवी। और वन देवी भी इसी माता का नाम मिलता है भी। क्या मिलता है भी? वन देवी। ये सारे नाम किसके हैं? अशोक की माता के। अर्थात एक ही व्यक्ति है, एक ही है और उसके सारे अलग अलग नाम है भाई। माता है उसके नाम है बारे में कहा जाता है कि अपने एक भाइयों में से 99 भाइयों मारकर शासक बना। क्या कहा जाता है? 99 भाई मारकर शासक बना था। कौन भाई? अशोक। छोटा मोटा सम्राट तो था नहीं, खतरनाक आदमी दिख रहा है आपको, क्या कट्टा उल्लू का पट्टा साला। और क्या क्या किया भाई? बहुत क्लियर देखिए क्या। और ये जानकारी कहाँ मिलती है भाई? सिंहली अनुश्रुति। कहाँ से मिलती है? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार की जानकारी मिलती है हमें। क्या जानकारी मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि ये अपने लगभग 99 भाइयों को मारकर क्या बनाता? शासक बना। और क्या मिलती है भाई? इसी के अनुसार ने क्या किया था? अर्थात सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार क्या जानकारी? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार ही हमें जानकारी मिलती है। इसने राज्याभिषेक अपने 4 साल बाद किया था। अर्थात किसके बाद? अर्थात शासक बनने के 4 साल बाद राज्याभिषेक। जानकारी भी हमें राज्याभिषेक कब किया था भाई? 4 साल बाद। यानी अब लगभग कहा जाता है कि यहाँ पर राज्याभिषेक कब करेगा ये? लगभग 204 साल बाद की बात करें तो 69 में। कब करेगा भाई? 269 ईसा पूर्व में इसने राज्याभिषेक। हाँ ध्यान रखें जानकारी प्रतिदिन मिलती है। पहले तो सिंहली अनुश्रुति और महावंश। कौन सी है? दीपवंश और महावंश। यहां पर देखिएगा प्यारे दोस्तों क्या सिंहली। सिंगल किसे कहते हैं भाई? सिंगल का मतलब सिंगल श्रीलंका का प्राचीन नाम हुआ करता है। क्या? सिंगल श्रीलंका का प्राचीन नाम था और वहां के जो ग्रंथ थे को सिंगली अनुश्रुतियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगली अनुश्रुतियां कहा जाता है। वंश और महावंश कौन से हैं? सिंगली अनुश्रुतियां। सिंगली अनुश्रुतियों कौन सा? दीप वंश और महावंश। कौन सा भाई? दीप वंश और महावंश। सिंगली अनुश्रुतियों दीप वंश दीप वंश। कौन सा भाई? दीप वंश व महावंश। महावंश के अनुसार सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है कि इसने राजा बनने से पूर्व या राजा बनने के 4 साल बाद क्या किया था? संघर्ष लड़ा
क्या लड़ा और 4 साल तक तो संघर्ष लड़ा, उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा, यानी कि राजा बना। राजा बनने के बाद कहा जाता है कि 4 साल तक इसने संघर्ष किया, फिर उत्तराधिकारी तो अभी जब भी बन गया था, 4 साल तक उत्तराधिकारी संघर्ष बना लड़ा और उसके बाद इसने राज्य भी। यार सीधी सी पता बता चलती है हमें कि इसके 99 भाई है तो उनको मारने में टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको मारने में टाइम तो लगेगा ना। तो इनके अनुसार हमें जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है अनुसार, अशोक राज्य अभिषेक के, अशोक उत्तराधिकारी क्या बात करें फिर, अशोक साम्राज्य यानी कि जब ये पिता का देहांत 73 में हो गया था, 73 में हो जाने के बाद कहा जाता है कि ये 4 साल तक अशोक ने अनुसार अशोक ने 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा, तभी उत्तराधिकारी संघर्ष किया, 4 साल बाद 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में अपना राज्याभिषेक क्या किया, राज्याभिषेक किया। कब किया भाई इसका राज्याभिषेक, कब हुआ 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है, अर्थात कि राजा तो कब बन गया था, वैसे तो राजा इसी समय बन गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसने कहां तक युद्ध किया, अर्थात 4 साल तक युद्ध लड़ा, और 4 साल तक युद्ध लड़ने के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, पूर्ण रूप से राजा कब बनता है, ये 269 ईसा पूर्व में राजा बनता है, कब, जब उसने उसके भाइयों का खात्मा कर दिया और ये राज्याभिषेक किया, ये अपने 99 भाइयों को मारकर, यहां पर ध्यान रखना है आपको क्या, यह अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना, क्या बना भाई 99 भाइयों को मारकर क्या बना, राजा बना, मारकर राजा बना, ये ध्यान रखना है आपको। ये कौन से ग्रंथ की जानकारी हमें देते हैं, सिंगल अनुसूचि क्या हमें जानकारी देती है कि जो है 99 भाइयों से उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा, उत्तराधिकारी संघर्ष कब तक लड़ा भाई, 4 साल तक उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा, 4 साल तक उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा, इसने 99 भाइयों की हत्या की, हत्या करने के बाद इसका जो था एक ही माँ के जाए थे था, तिस्से को मारकर कहा जाता है, सॉरी तिस्से को छोड़कर बाकी सभी को मार दिया इसने, मार दिया तिस्से को छोड़कर सभी को मार दिया था प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ठीक है। तो इसके जो भाई थे कौन कौन से मिलते हैं, तो जानकारी हमें मिलती है इसके भाइयों की जानकारी मिले, तो सबसे बड़ा तो जो भाई है यहाँ पर आज प्राप्त करते हैं, तो सबसे बड़ा भाई कौन हुआ इसका, सबसे बड़ा भाई तो था सुशील, कौन था सुशील, और उसके बाद आता था आपका अशोक, कौन आता है अशोक, अशोक के बाद आता था तिस्से, कौन की जानकारी हमें कई नाम का उल्लेख मिलता है, सारी माताओं का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्तों। तो ये सुशील था जो बिंदुसार के टाइम पे बिंदुसार के समय में कहा जाता है तक्षशिला के ऊपर आक्रमण करने गया था, लेकिन क्या होता है प्यारे दोस्तों ये सफल नहीं हो पाता है, यही सुशील माना जाता है, सबसे छोटा माना जाता है प्यारे दोस्तों। फिर बीच का कौन था अशोक की जानकारी हमें मिलती है, सारी जानकारी हमें क्लियर से मिलती है, अर्थात इनसे हमें जानकारी मिलती है किस प्रकार से अशोक राजा बना। ये सारी जानकारी लेने के पश्चात प्यारे दोस्तों अब क्या कंडीशन होती है ठीक है, और एक ध्यान ये भी रख लेना, क्या रखोगे प्यारे दोस्तों, इसने ध्यान रख लेना आप,
अपने सगे भाई, सगे भाई किससे, किसको, इस शिष्य को जीवित छोड़ा था, किसको, शिष्य को जीवित छोड़ा था, शिष्य को जीवित छोड़ा था, जीवित छोड़ा था, छोड़ा था, किसको छोड़ा था भाई, अपने छोटे भाई जो शिष्य था, ये सगा भाई था, एक ही माँ के थे ये दोनों, ठीक है, इस कारण इस शिष्य को ही जीवित छोड़ता है, सुशी मुशी सबको सटा देता है अशोक, और तब जाके ये शासक बनता है नन्याण की हत्या करके। अब क्या कंडीशन, भारत शासक बनने से पूर्व अशोक ने जेनी का प्रांतपाल हुआ करता था, कहाँ का भाई, ये भी ध्यान रखना है आपको, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले अशोक उज्जैनी, कहाँ का, उज्जैनी का प्रांतपाल हुआ करता था, अर्थात गवर्नर, कहाँ का गवर्नर था भाई, उज्जैनी का प्रांतपाल हुआ करता था, कौन, ये अशोक शासक बनने से। और बात करें यहाँ पर, ये प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय कहा जाता है अशोक को क्या कहा जाता, चंडा अशोक कहा जाता, कामा अशोक कहा जाता था, क्या कहा जाता था प्रारंभिक समय में, चंडा अशोक कहा जाता, कामा अशोक कहा जाता, चंडा अशोक अर्थात कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक वाला व्यक्ति हुआ करता था, काला था, ऐसा था प्रारंभिक में, ये काला था, सुंदर नहीं था, इस कारण इसे चंडा अशोक कहा जाता, ठीक है, क्या कहा जाता, चंडा अशोक इसलिए कहा जाता, एक बार ये राज दरबार के सामने से गुजर रहा था, कहां से गुजर रहा था भाई, जहां पर रानियों के हरम कक्ष के सामने से, ध्यान रखना, रानियों के हरम कक्ष के सामने से ये गुजर रहा था, ये रानियों का हरम कक्ष, और इसमें क्या है, बहुत सारी रानियां रहा करती थी, बहुत सारी रानियां, कौन थी भाई, अंदर बहुत सारी रानियां थी, कई सारी रानियां, लगभग 500 रानियां थी, लगभग 500 रानियां इस हरम में थी, लगभग 500 रानियां, कितनी रानियां, लगभग 500 रानियां इस हरम कक्ष में थी, और इस हरम कक्ष के यहाँ से ये कौन गुजर कर जा रहा था, ये कौन गुजर कर जा रहा था मेरे दोस्तों, ये अशोक गुजर कर जा रहा था, कौन, अशोक यहाँ से गुजर कर जा रहा था, ये यहाँ से गुजर कर जा रहा था, ये सुंदर नहीं था भाई उस जमाने में, गुजर कर जा रहा था, ये जा रहा था, अब इसकी शक्ल देखकर ये बेस बदसूरत लगता था, तो कहा जाता है एक रानी हंसती, एक रानी हंसती, तो उस रानी को देखकर सारी रानियां ही हंसती, सारी रानियां ही हंसने लगी, और सारी रानियां हंसने लगी, तो कहा जाता है इसको गुस्सा आया, क्या आया, इसको गुस्सा आया, और गुस्सा आ जाने के बाद क्या करता है मेरे दोस्तों, ये अपनी क्या लेता है, तलवार लेता है, ये तलवार क्या लेता है, ये तलवार लेता है, और कहा जाता है लगभग 500 रानियों को उतार देता है, क्या 500 रानियों को, किसको, रानियों को क्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है, मौत के घाट उतार देता है, घाट उतार देता है, उतार देता है, कौन, अशोक, कौन, अशोक, कौन उतार देता है भाई, अशोक, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, चंडा अशोक कहा जाता है, इस कारण क्या कहा जाता है इसको, चंडा अशोक कहा जाता है, क्या कहा जाता, चंडा शोक कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इस कारण इसे चंडा शोक कहा जाता है, याद रखना, चंडा शोक क्यों कहा जाता, लगभग ये बहुत खुकार व्यक्ति हुआ करता था, ये प्रारंभ अवस्था में ये बहुत खुकार व्यक्ति हुआ करता था, लगभग 500 रानियों को मार देता है उनके हरम कक्ष में, एक बार हंसी थी जिसमें, हंसी थी तो एक हंसते सारी हंसने लगी, अब उसी के चक्कर में कहा जाता है सारी रानियों को मार देता है ये अशोक, और इस कारण इसे क्या कहा जाता है, चंडा शोक, याद रखिए, चलिए आगे बात करते हैं, और क्या कहा जाता है, कामा अशोक भी कहा जाता है, तो इस लिख ले यहाँ पर, देखिए प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय में तो अशोक को प्रारंभिक समय ना की बात करें हम, अशोक को, अशोक को प्रारंभिक, प्रारंभिक समय में चंडा अशोक, चंडा शोक व कामा शोक कहा जाता था, क्या कहा जाता था भाई, चंडा शोक या कामा शोक कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ये काम प्रवृत्ति में बहुत लीन रहा करता था, खूब खूब वेश्यावृत्तियां चलाया करता था, अलग से इसने वेश्यालय खोल रखा था, क्या अलग से वेश्यालय खोल रखा था, खुली छूट हुआ करती थी, इस कारण कहा जाता इसे कामा शोक भी कहा जाता था, क्या कहा जाता इसे चंडा शोक कहा जाता, क्योंकि कुकार प्रवृत्ति का होने के कारण चंडा शोक कहा गया, और अलग से वेश्यालय होने के कारण कहा जाता है इसे क्या कहा कि इसे कामा शोक कहा जाता है। और बात करें ये शासक बनने से पूर्व कश और नेपाल पर विजय प्राप्त करता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किस पर, ये शासक बनने से पूर्व, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या भाई
ये शासक बनने से पूर्व, कौन? अशोक शासक बनने से नेपाल के तराई क्षेत्र पर विजय पड़ता है, कश क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है, किस पर? शासक बनने से पूर्व। देखिए यहाँ पर अशोक, अशोक शासक बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व खस कौन सा, खस खस व खस व नेपाल के, नेपाल के तराई क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, क्या करता है भाई? ये प्राप्त करता है। ये सारी घटनाएं किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? ये अशोक से संबंधित मानी जाते हैं। किससे संबंधित मानी जाती है? अशोक से, अशोक से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है भाई? ये सारी चीजें, इसके घटनाक्रम हो जाता है, इसके बाद ये कलिंग का युद्ध लड़ता है, कलिंग का युद्ध लड़ता है, और कलिंग का युद्ध इतना भयानक भाई, देखिए क्या कलिंग का युद्ध लड़ता है, और कलिंग का युद्ध की बात करें, किस करें भाई? कलिंग का युद्ध कौन? कलिंग का युद्ध कौन बात करें भाई? कलिंग, कलिंग का युद्ध, और कलिंग का जो युद्ध है प्यारे दोस्तों कब किया जाता है, ये इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से, जानकारी कलिंग के युद्ध की जानकारी ये अशोक अपने 13वें शिलालेख में देता है, और इसमें कहता है कि ये जो युद्ध लड़ा गया था इसके राज्याभिषेक के, अर्थात इसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया। कब लड़ा गया भाई? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। और कहा जाता है कि यहाँ पर इस युद्ध में इतना खतरनाक नरसंहार हुआ था, इस युद्ध में इतना खतरनाक नरसंहार हुआ था जिसको देखकर कहा जाता है इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तित हो जाता है, और भेरी घोष के स्थान पर ये दंभ घोष का पालन करने लग जाता है। किसका पालन करने लग जाता है? भेरी घोष के स्थान पर, अर्थात युद्ध नीति के स्थान पर यह धार्मिक नीति का प्रयोग करने लग जाता है, और इसके बाद कोई युद्ध नहीं करता है। कौन से युद्ध के बाद? ये कलिंग के युद्ध के बाद। ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ से ये बहुत खतरनाक युद्ध होता है। ठीक है, तो कब होता है ये भी ध्यान रखना। तो कब? कब? ठीक है, कब होता है ये ध्यान रखना भाई। यहाँ से स्पष्ट, यहाँ से जानकारी मिलती है कब होता है, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कब? अपने अपने राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष, और 8वें वर्ष कितना होगा भाई? 261 ईसा पूर्व। कब होगा? 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में ये किसके ऊपर? कलिंग के ऊपर आक्रमण करता है। युद्ध का उल्लेख कहां पर मिलता है? इस युद्ध का उल्लेख अशोक के स्वयं के 13वें अभिलेख में मिलता है। कहां मिलता है? अभी बताया मैंने, इस युद्ध का उल्लेख अशोक के, अशोक के स्वयं के, अशोक के 13वें अभिलेख, अभिलेख में मिलता है। इसकी जानकारी मिलती है, इसके अभी बात की थी हमने, 13वें अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, कहां से जानकारी मिलती है? हाथीगुम्पा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक नंदराज था। कौन था भाई? हाथीगुम्पा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। हाथीगुम्पा, हाथी गुम्पा, हाथी गुफा पा अभिलेख के अनुसार, अभिलेख, अभिलेख के अनुसार, के अनुसार हाथी गुम्पा अभिलेख के अनुसार
हाथी गुंपा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। कौन था भाई? नंदराज था। किस अभिलेख में ये जानकारी मिलती है हमें? हाथी गुंपा अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि इस अभिलेख के अनुसार हमें किसको पराजित किया था, किसने अर्थात अपने अशोक ने किसको पराजित किया था? नंदराज को पराजित किया था। और इस युद्ध में भीषण नरसंहार के दौरान, इस युद्ध में भीषण नरसंहार के कारण ये अपना क्या कर लेता है? अपना धर्म ही बदल लेता है। क्या बदल लेता है? धर्म ही बदल लेता है। पहले क्या कर देता है? कहा जाता है कि ये अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। ये कौन से युद्ध था? चलिएगा, यह अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। यह अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध था भाई? अंतिम युद्ध था। और कहा जाता है इस युद्ध के बाद इसने कोई युद्ध नहीं किया था। इसका इस युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं किया था। और अपने भैरी घोष के स्थान पर ये धम्भ घोष का प्रयोग करने लग जाता है। इसका भैरी घोष के स्थान पर अशोक ने इस युद्ध के बाद धम्भ घोष अपनाया। क्या अपनाया? धम्म घोष अपनाया। क्या अपनाया भाई? ठीक है, ये धम्म घोष अपनाया। ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये इसके जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। और इसके साम्राज्य की चर्चाएं करें प्यारे साथियों, तो कहां तक देखिएगा, जो अशोक का साम्राज्य था बहुत विशाल साम्राज्य हो गया था, और बहुत विशाल साम्राज्य की बात करें जहां पर जो देखिएगा, ये देखिएगा हिंदू कुश पर्वत से लेकर, कहां से लेकर, चलिएगा कहां से पैरा दोस्तों, यहां पर हिंदू कुश पर्वत से लेकर इधर ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक, कहां तक? ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र। और इधर कहां, कौन सा वाला? बंगाल वाला क्षेत्र, जो पश्चिम बंगाल नहीं हुआ करता था उस समय, एक ही बंगाल था, बांग्लादेश भी नहीं हुआ करता था। तो ये पूरा बांग्लादेश वाला जो डार्क कलर में देख रही है, ये पूरा अशोक का साम्राज्य देखने को मिलता है। उस जमाने में कहा जाता है इसने इतना विस्तार किया था। और जो कलिंग की बात करें, ये कलिंग इस जगह पर था। कहां पर था भाई ये कलिंग की जो बात करें अपन, ये कलिंग इस स्थान पर देखने को मिलता है आपको। कलिंग कहां पर था? ये इस स्थान पर था, यहां पर ये युद्ध करता है। पहले कहा जाता है कि इसके पास, इस कलिंग को नहीं जीता था, उससे पहले चार ही प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत हुआ करते थे? चार प्रांत हुआ करते थे। अर्थात मौर्य, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पास चार ही प्रांत थे। चार ही प्रांत किसके पास? बिंदुसार के पास थे। उसके बाद अशोक के पास भी चार ही प्रांत थे, लेकिन अशोक किसको जीत लेता है? कलिंग को विजय प्राप्त कर लेता है। किसकी? कलिंग की विजय कर लेता है। इस कारण इसके पास प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है? पांच प्रांत हो जाते हैं। कितने प्रांत हो जाते हैं भाई? पांच प्रांत हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अशोक का साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। ये मौर्यकालीन भारत हुआ करता था या मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य किसका था? मौर्य साम्राज्य का था। ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जोश और जुनून के साथ बने रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।